देखिए, मैं कहूंगा और बिल्कुल कड़े शब्दों में, जिसकी माँ ने दूध पिया वो कुछ कर ले। हम लोग ना तो इनके संतों से डरने वाले हैं, ना इनके भगवानों से डरने वाले हैं, और इनकी माँ ने दूध पिया है ना, तो यही लोग आ जाएं सामने सामने। राजेंद्र प्लग उत्तम का तो मुझे पता नहीं, मैं यहाँ गढ़वाल भवन में बैठा हूँ, ठीक है, हिंदुओं का गढ़ है यहाँ पर, आसपास सारे मंदिर है। जिस भी मनुवादी माँ ने दूध पिया रखा आ जाए वो, तो जो संघर्ष भूल जाएगा उसके बीपी और शुगर अपने आप हो जाएगा, फिर वो पार्क में टहलने जाएगा, और हम लोग इनको भागने भी नहीं देंगे, रहने भी नहीं देंगे। देखो भाई, ये लड़ाई है, या तो आप लड़ते हुए मर जाओ, नहीं तो ये आपको अपनी मर्जी से मारेंगे, और मर्जी से कैसे मौत दी जाती है वो आप रोज की रोज सोशल मीडिया पे देख ही रहे हो। मैंने तो पहले भी कहा था, केजरीवाल की पैंट उतार के देखो, खाकी निकर मिलेगी। तो ये जो लोग है ना, ये लोग उस तरह के लोग हैं, इनके मुंह में राम बगल में छुरी। ये लोग दिखाएंगे फोटो बाबा साहब का, भगत सिंह का, लेकिन विचारधारा इनकी जो है वो ब्राह्मणवादी विचारधारा है और मनुवादी विचारधारा है। तो अगर ब्रह्मा विष्णु महेश के फोटो से हमें कोई दिक्कत नहीं है, छाप लें अगर वो मजबूत होता हो तो, लेकिन इस देश की वित्त मंत्री कहती है, दुर्भाग्य है कि पैसा नहीं गिर रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। मतलब ये ऐसी विडंबना, ऐसे मूर्ख लोग हैं एक्चुअली में, देश को जो नाकाबिल लोग हैं वो चला रहे हैं, और ये अपनी जो नाकाबिलियत है उसको छुपाने के लिए तथागतित जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है उसको आगे लेके आ रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और अगर लक्ष्मी गणेश में इतनी ताकत होती तो उनके मंदिरों के बाहर भिखारी कहाँ होते, उनके मंदिरों के बाहर भिखारियों की भीड़ लगी हुई है, तो वो नहीं होते मेरे हिसाब से, अगर ये मानव को देखते तो। और अगर ये सृष्टि भगवान ने बनाई है, जिसको ये कहते हैं उन्होंने बनाई, तो ये हमारे जैसे नाला को पैदा क्यों करते जो इनको नकारते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें मन गढ़ंत कहानियां हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। जब सोमनाथ के मंदिर तक गज नहीं पहुंच गया था, जब कहां था इनका भगवान, कहां था भगवान वो। तो ये सारी मिथ्या चीजें हैं, ये लोग। केजरीवाल तो बाबा साहब की फोटो लगाते हैं, भगत सिंह, मनीष सिसोदिया अपने आप को भगत सिंह बताते हैं। देखिए, ये तो कुछ भी बता देंगे, ये अगर आप थोड़े दिन बाद देख लेना, ये आपको कहेंगे कि हम तो बाबा साहब अम्बेडकर की औलाद हैं, ये थोड़े दिन में आपको रामास्वामी पेरियार की औलाद भी कहने लगेंगे। ये लोग सत्ता पाने के लिए और सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और इतिहास है इस देश का। जब जब इन लोगों के साम्राज्य खतरे में आए तो इन्होंने अपनी बहन बेटियां दे दे करके अपने राज बचाए, रुजोदा अकबर देख लो आप, है ना, बहुत सारे ऐसे राजा जिन्होंने अपनी बहन बेटियां दे करके राज बचाया अपना। और ये कहावत भी वहां से शुरू हुई थी कि भाण के भाई कुत्ता हो से मान सिंह बने रहा सरदार। मान सिंह ने अपनी बहन दी थी जोधा अकबर गया, और वो खुद कहता था मैं सरदार हूँ, तो वो तो दहेज में था सारा सौदा। ये तो नालायक लोग हैं बेसिकली। देखिए, मैं कहूंगा और बिल्कुल कड़े शब्दों में, जिसकी माँ ने दूध पिया वो कुछ कर ले। हम लोग ना तो इनके संतों से डरने वाले हैं, ना इनके भगवानों से डरने वाले हैं, और इनकी माँ ने दूध पिया है ना, तो यही लोग आ जाएं सामने सामने। राजेंद्र प्लग उत्तम का तो मुझे पता नहीं, मैं यहाँ गढ़वाल भवन में बैठा हूँ, ठीक है, हिंदुओं का गढ़ है यहाँ पर, आसपास सारे मंदिर है। जिस भी मनुवादी माँ ने दूध पिया रखा जाए वो, अरे हम लोग उस कौम से हैं, हम लोग सड़क शेर को बीच में से बांट देते हैं, है ना। हम दलित हैं इस देश के, शूद्र समाज के लोग हैं, और भूलो मत ये जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, एकलव्य को मत भूलो, बाण मार मार के मुंह भर दिया था सारा कुत्ते का, ठीक है ना। तो ये जो भोकने वाले कुत्ते ना, इनका मुंह भी भरना जानते हैं, मुंह तोड़ना भी जानते हैं। लेकिन सर, आप आरक्षण खो रहे ना, आरक्षण खा लेते हैं। देखिए, हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें तो इस देश पे कब्जा करना है, ये देश हमारा है, है ना। और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि 21वीं सदी दलित हो गई होगी, ये सिम्टम्स है। राजेंद्र पाल गौतम जैसे लोग, संदीप वाल्मीकि जैसे लोग, ये सिम्टम्स है किसी भी बीमारी के होने के। तो ये देश पे कब्जा करने के हम लोग ये लक्षण है, तो आप लोग देख रहे हैं। देश पे कब्जा कैसे करेंगे, आपके जितने संगठन हैं वो तो एकत्रित नहीं है, आपस में टूटे पड़े हैं, 10-10 संगठन बने हुए हैं। देखिए, जब बड़ा बड़ा परिवार होता है ना, जो जिनकी संख्या ज्यादा होती है वो लोग कम एकत्रित होते हैं, और जब एकत्रित होते हैं तो दो अप्रैल हो जाता है ना। दो अप्रैल याद है ना आपको, तो जब एकत्रित होते हैं, दो अप्रैल भी होगा और कोरेगांव भी होगा, इसी देश में होगा, इसी धरती पे होगा, आप लोग कवर भी करेंगे। आप देखते जाओ, दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है, ये इस 10 साल का खेल है, इस 10 साल में डिसाइड हो जाएगा कि ये लोग कहाँ से आए, इधर कहाँ जाएंगे, और हम लोग इनको भागने भी नहीं देंगे, रहने भी नहीं देंगे। कि ये तो आप किराए के मकान में हो, मैं भी था उस सरकार में, मैं भी मंत्री रहा हूँ, राजेंद्र पाल गौतम जी भी रहे हैं, हमारे से पहले ही बहुत सारे रहे हैं, और सबसे बड़े मंत्री जगजीवन राम भी रहे हैं। तो ये सारे के सारे जितने लोग राजनीतिक दलों में बैठे हैं, कुत्ता आप किसी नस्ल का पाल लो,
चाहे रोड व्हीलर पाल लो, चाहे डबर वैन पाल लो, चाहे पाकिस्तानी बुल्ली पाल लो, और कितना भी तगड़ा हो जाए कुत्ता, जब मालिक आता तो पूंछ हिलाता है वो। तो हम सब कुत्ते हैं जो इनके पाले हुए हैं और समाज को गुमराह करते हैं हम लोग। हम सिर्फ समाज को डराते हैं और मालिक आता तो पूंछ हिलाते हैं। ये हालत है हमारे लोगों की। आज विधानसभा में कोई नहीं बोल रहा। मैंने तो राजेंद्र पाल गौतम से निवेदन भी किया, अगर आप इस रास्ते पे आ गए हो तो दिल्ली की विधानसभा में 22 प्रतिज्ञा पढ़ो, और केजरीवाल अगर विरोध करता उसके मुंह पे जूता और इस्तीफा दोनों इकट्ठे मारो दे करके। और देखिए ये तो व्यवस्था इनकी बनाई हुई है ना, आप देख लो ना, एक जज थे उनको 6 महीने की सजा हुई थी कंडक्ट ऑफ कोर्ट में, ठीक है, और उसी मामले में इसको ये जो था प्रशांत भूषण 1 रुपए जुर्माना करके छोड़ दिया। तो ये व्यवस्था उन लोगों की बनाई हुई है, वो जिस मर्जी को जेल भेज दे, जिस मर्जी को जो मर्जी कर दे। ये तो बताते हैं कि सृष्टि की रचना भी कैसे हुई है ना, अपनी बच्चियों के साथ बलात्कार करने वाले लोग हैं, है ना। आप लोगों ने इनमें धर्म ग्रंथों में भी लिखी हुई बहुत सारी चीजें, तो आप लोगों डरने की जरूरत नहीं है। मैं तो एक पूरे समाज से आप लोगों के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, देखो भाई ये लड़ाई है, या तो आप लड़ते हुए मर जाओ, नहीं तो ये आपको अपनी मर्जी से मारेंगे। और मर्जी से कैसे मौत दी जाती है वो आप रोज की रोज सोशल मीडिया पर देख ही रहे हो, और लड़ते हुए मरेंगे तो शहीद कहलाएंगे और समाज के लिए हम कुछ कर पाएंगे। मुझे साहब कांशीराम की एक बात याद आती है इस टाइम, साहब कांशीराम जब सांसद थे तो बिहार में एक बलात्कार हुआ था, और साहब कांशीराम वहां नहीं गए थे, तो पत्रकारों ने कहा कि वहां पर सभी पार्टियों के नेता गए, सभी लोग गए हैं, साहब कांशीराम आप क्यों नहीं गए। जैसे मनीषा हाथरस वाले कांड में आपने देखा होगा, वहां प्रियंका गांधी भी गई, राहुल गांधी भी गया, सारे लोग गए ड्रामे करने के लिए, ठीक है। लेकिन जब साहब कांशीराम से सवाल पूछा गया तो साहब ने कहा कि मैं कहां कहां जाऊंगा, हर रोज हर घंटे हर मिनट हमारी बहन बेटी को बलात्कार होता है, तो मैं कहां कहां जाऊंगा। मैं एक ऐसी व्यवस्था बनाने में लगा हूं जिससे परमानेंट रुक जाएंगे। तो इस देश में अगर आपको अपने लोगों के अत्याचार को रोकना है ना, तो इस देश का शासक आपको बनना पड़ेगा, और जिनके शासक होते हैं उनकी बहन बेटियों के बलात्कार नहीं होते, उनकी बहन बेटियों की आबरू नहीं लूटी जाती, उनके लोगों को नंगा करके नहीं पीटा जाता, उनके लोगों के मकानों पे घरों पे कब्जे नहीं किए जाते, किसी भी तरह का शोषण शासक वर्ग के लोगों के साथ नहीं किया जाता। तो यही हाल देश में मुसलमानों का है, यही हाल दलितों का है, यही हाल पिछड़ों का है। वहां भी मिश्रा जी की चलती है, जो हमारा एक बड़ा अम्ब्रेला होना चाहिए था, आज वो कहां गया, कितने छेद हो गए उसमें, पानी की बूंद भी सीधी निकलती है, टपक के नहीं निकलती उसमें से, जीरो पे आगे खड़ी हो गई है, क्या कारण है। वो तो बाबा साहब अम्बेडकर के रिजर्वेशन की वजह से है, नहीं तो इनका कोई अपने घर पे जो चौकीदार न रखे। हमारा जो समुदाय है वो मूल निवासी समुदाय है, हम 85% लोग हैं। जब ब्राह्मण इस देश का अकेला राजा बन सकता है, आज इस देश में 80 कैबिनेट सेक्रेटरी है, उसमें एक भी ओबीसी नहीं है भाई। तो उनमें काबिलियत बताई जाती है, उनमें काबिलियत है। हाँ काबिलियत है ना, खीर से पैदा हो जाते हैं, मुंह से फाड़ के निकलाते हैं, हाथों से निकलाते हैं, पेट फाड़ के निकलाते हैं, काबिलियत है ना। किसी को देखा मुंह से बच्चे पैदा करते हुए, किसी को देखा हाथ से बच्चे निकलते हुए, किसी का पेट फाड़ के कोई निकला हो, है यही काबिलियत है इन लोगों में, नालायक लोग हैं। तो चाहे मोदी आए चाहे गांधी, देखो मैं पार्टी का तो किसी का समर्थन नहीं करता, ठीक है, क्योंकि कोई भी पार्टी जो है मूल निवासियों के लिए, हमारे लोगों के हक अधिकार के लिए काम नहीं कर रही है ना। अभी एक नई बात सुनने में आई थी सोशल मीडिया के माध्यम से कि सीमा खुशो को यहाँ का सीएम डिक्लेयर कर दिया मायावती जी ने, तो उसको ये जो 50% चूड़े चमार तो दिखे नहीं, कुशवा 1% भी नहीं है ना। चलो अच्छी बात है हमारी बहन बेटी है करे, लेकिन पता नहीं वो आते आते कोई और ज्यादा चढ़ावा चढ़ाएगा, क्योंकि जब भी चुनाव होता है ना, और जब भी बीएसपी मजबूत होती है, अगर हरियाणा में मजबूत की बीएसपी किसी ने तो मानसिंह मनेडा ने की, तो चौटाला राखी लेके पहुंच जाता है, पंजाब में मजबूत होती है तो बादल राखी लेके पहुंच जाता है, दिल्ली में मजबूत होगी केजरीवाल बांध देगा राखी 500-700 करोड़ की, क्या फर्क पड़ रहा है बहन जी को, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता। ना 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 ना, मायावती के पास तो भूल के भी नहीं जाना कोई, भूल के ही मतलब वो साफ रीजन ये है कि मायावती मूवमेंट से भटक चुकी है, वो राजनीतिक व्यक्ति है, आप लोग उसे मिशनरी क्यों समझ रहे हो। ना ना कोई तैयारी नहीं, संदीप वाल्मीकि आपको कभी राजनीति में नहीं दिखेगा। सरकार व्यवस्था की अभी आप बात कर रहे हैं, तो फिर कोई बहुजन चेहरा नहीं होगा क्या? नहीं नहीं, और बतेरे लोग हैं, मैं बताता हूँ। देखो पता क्या, ये समाज जो है ना एप्पल बॉय को पसंद नहीं करता, ये संघर्ष वाले लड़कों को पसंद करता है। जो लड़के आज संघर्ष कर रहे हैं और जो ईमानदार है, जो काम करेगा, ये समाज हमेशा उसके पीछे चला है। साहब कांशीराम जब थे तो लोगों ने साहब कांशीराम को नेता माना, उन्होंने संघर्ष किया, और बहन जी भी साथ में ही थी। आज कहां पर है बहन जी, आप देखो ना,
तो जो संघर्ष भूल जाएगा उसके बीपीएल शुगर अपने आप हो जाएगा, फिर वो पार्क में टहलने जाएगा। हम बेंजी को नेता मानते ऐसा नहीं मानते, उसका संघर्ष है। लेकिन आज जब बेंजी निष्क्रिय हो गई है तो जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनको साथ लेकर चले, अमरेला बड़ा करे। साहब काशीराम ने कितने नेता पैदा किए थे और इसने एक भी करा तो बताओ। और जिनको करना चाहते हो वो बेचारे आपको पता है गुच्ची के तो पैंटे पहनते हैं। हाथी नहीं बैठा, हाथी तो चलेगा, ये बाबा साहब अम्बेडकर का हाथी है, आज उसकी लगाम गलत हाथों में है, कल किसी और ठीक हाथ में आ जाएगी। लेकिन सर आप नहीं, हम लोग समाज निर्माण करने के बजाय हम लोग सीधे राजनीति में जाएंगे तो मरेंगे। बिना हथियारों के आप लड़ाई में उतर जाओगे तो गर्दनें तो कटेंगी ना। समाज का निर्माण जरूरी है, जो रोक दिया गया ना, जैसे पहले भामसेब को तोड़ा गया है ना, और कितनी शाखाएं आरएसएस की, और अब लोग कहते हैं कौन सी भामसेब। अरे भामसेब एक ही है, चाहे उसमें 10 लोग काम कर रहे हैं, चाहे 10,000 लोग काम कर रहे हैं। तो भामसेब से बड़ी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, और भामसेब एक दिन इस देश पर राज करेगा, मूल निवासियों का राज होगा।